राजस्थान में कंगाली का दौर चल ही रहा था कि अब हंगामा भी कुछ दिनों से शुरू हो गया है। इसके पीछे की वजह है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। इन सबके बीच आज स्थिति ये बनी हुई है कि इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं। इसके साथ साथ इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि उनकी हत्या की जा सकती है। जी हाँ, पूर्व पीएम की गिरफ्तारी हो सकती है। चलिए बताते हैं कि क्या है बड़ी वजह और इमरान खान इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। पिछले कुछ दिनों से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल गरमाई हुई है। लोगों के हंगामे, हिंसक प्रदर्शन और फिर कोर्ट के आदेश के बाद अब तक इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पूर्व प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि गिरफ्तारी बस एक ड्रामा है और उनकी हत्या कराई जा सकती है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद कोर्ट ने गुरुवार को उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी करते हुए पुलिस से 18 मार्च को कोर्ट में पेश करने को कहा है। हालांकि इन सबके बीच इमरान खान ने एक सनसनीखेज आरोप भी लगाया है। इमरान ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करना बस एक ड्रामा है जो कि सरकार कर रही है, असली मकसद मेरा अपहरण करके हत्या करना है। उन्होंने कहा कि अब उनके समर्थकों पर गोलियां चल रही हैं। इमरान के लिए मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं क्योंकि उनके खिलाफ देश भर में अब तक 83 FIR दर्ज की जा चुकी है। इस बीच पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी की पिछले 3-4 दिनों से पुलिस कोशिश कर रही है लेकिन अब तक वो गिरफ्तारी से बचे हुए हैं। इस बीच इस्लामाबाद कोर्ट ने कल गुरुवार को इमरान खान को गिरफ्तार करने का नया आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूर्व पीएम की गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की चुका भी खारिज कर दी। अपने फैसले में कोर्ट ने पुलिस को यह आदेश भी दिया है कि इमरान को गिरफ्तार कर कोर्ट में 18 मार्च को पेश किया जाए। ऐसे में आज का दिन बेहद अहम है कि क्या इमरान की गिरफ्तारी हो सकती है। तोशाखाना मामले में उनकी गिरफ्तारी लंबे समय से वारंट जारी होने के बावजूद अब तक नहीं की जा सकी है। पुलिस ने कल इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद समेत कई आरोपों में FIR दर्ज कर ली। पंजाब पुलिस की ओर से दर्ज की गई FIR के मुताबिक इमरान ने जमान पार्क में मौजूद अपनी पार्टी के 2500 से अधिक कार्यकर्ताओं को पुलिस कर्मियों पर हमला करने के लिए उकसाया, जो पूर्व प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार करना चाहते। अब क्या इमरान खान आज गिरफ्तार होंगे, ये भी वक्त बताएगा। इस खबर से जुड़ी हर ताजा जानकारी, हर ताजा अपडेट्स हम आप सभी तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।